नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा। गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फेसबुक लाइव स्ट्रीम बेसिकली होता क्या है, आपने आमतौर पे मेरी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं फेसबुक लाइव करता हूँ, यूट्यूब लाइव करता हूँ और साथ में स्क्रीन चलती है, प्रेजेंटेशन करता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। इधर में वीडियो भी चल रही होती है, उधर प्रेजेंटेशन भी चल रही होती है, वो भी एक समय में और वो भी लाइव। तो इसी को हम फेसबुक लाइव स्ट्रीम कहते हैं या यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कहते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेसबुक लाइव स्ट्रीम आप कैसे कर सकते हैं। तो फेसबुक लाइव स्ट्रीम करने के लिए यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर लगेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है OBS, यानी ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। ये OBS आपको बड़ी आसानी से गूगल पे कहीं भी करके आपको बड़ा फ्री में मिल जाता है। तो OBS डाउनलोड कर लीजिए। OBS डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे आपका एक विंडो खुल जाएगा। अब इस विंडो में आपने तीन चीज़ें लगानी है, यानी इस OBS में आपने तीन चीज़ें लगानी है। पहली चीज़, वीडियो कैप्चर डिवाइस। जो आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आ रहा हूँ, ये इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल की है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, ये जो प्लस आइकन है इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपका वीडियो कैप्चर डिवाइस आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन, डिस्प्ले कैप्चर। अगर ये विंडो आप जो देख पा रहे हैं, ये जिस पे काम चल रहा है सारा, ये डिस्प्ले कैप्चर, इसको डिस्प्ले कैप्चर को आपने ऑन करना है। इसके बाद ऑडियो इनपुट कैप्चर। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आवाज़ इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर यहाँ पे लगाया है। तो मैं ये तीन चीज़ें लगाता हूँ। अब इसके बाद आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, फोटोज़ दिखानी है, तो इस पर आप काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे फोटोज़ इस पर कर सकते हैं, इमेजेस कैप्चर, स्लाइड शो कैप्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो कि जनरली मेरा कोई काम नहीं है ऐसा, तो मुझे ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे फेसबुक लाइव स्ट्रीम करना है। तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए मुझे तीन चीज़ें काफ़ी हैं। चलिए, हम लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। लाइव स्ट्रीम करना कैसे, उसके लिए मुझे एक स्ट्रीम की चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप सेटिंग देखिए, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रीम पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रीम की चाहिए, जिस स्ट्रीम की को यूज़ करके आप फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो फेसबुक हमें एक स्ट्रीम की देगा, उस स्ट्रीम की को हम यहाँ पर लगाएंगे और देन हम फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। तो स्ट्रीम की कैसे हमें मिलेगा, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रीम की हमें कहाँ से मिलेगा। सो स्ट्रीम की हमें मिलेगा, उसके लिए आपको facebook.com/live/create पे जाना है। एक वेबसाइट याद कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, facebook.live/create के ऊपर आपको जाना है। वहां से आपको एक स्ट्रीम की मिलेगा। अब ये स्ट्रीम की आपको अपने उस स्ट्रीम की जहां पे चाहिए था वहां पे लगाना है। क्रिएट लाइव स्ट्रीम पे जाइए। ऑब्वियस है आपका पहले यहाँ पे फेसबुक लॉगिन होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रीम की इसने दे दिया, इसको मैं कॉपी करूँगा और उससे पहले मैं यहाँ की थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। पहली सेटिंग में क्या करूँगा कि ये सिर्फ मैं ही देख पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे एक डेमो वीडियो चला रहे हैं। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है अपने दोस्तों के लिए, अपने और फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, तो आप पब्लिक कर दीजिएगा इसको, ताकि ये लाइव स्ट्रीम पब्लिक हो। लेकिन अभी भी सिर्फ मुझे ये देखना है, तो मैं सिर्फ इस पर ओनली मी पे क्लिक करूँगा और इस स्ट्रीम की को मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे स्ट्रीम की को कॉपी करता हूँ, अगेन मैं OBS की सेटिंग में जाऊँगा, स्ट्रीम पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। देन ये OBS पे जाना है, स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करूँगा, चेंज हो गया। ये देखिए, अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे गो लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ये लाइव होगा तो आप जो भी अपनी प्रेजेंटेशन है, जैसे पावर पॉइंट पे जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ये आप चला सकते हैं। आपने PDF कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो PDF प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो बड़े इजी तरीके से आप इस तरह से अपना लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जब आपका लाइव स्ट्रीम हो जाता है उसके बाद आपने इस वीडियो को एंड कर देना है। जैसे आप इस वीडियो को एंड कर देते हैं तो आपका लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। तो ये आपका वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा, वहाँ पे जो आपका फेसबुक है वहाँ पे पेज पे ये शो हो जाएगा। सो आई होप आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया फेसबुक लाइव स्ट्रीम के लिए, फेसबुक लाइव स्ट्रीम कैसे किया जाता है, फेसबुक लाइव स्ट्रीम कैसे होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम देखें कि हमारा फेसबुक लाइव स्ट्रीम हुआ भी है कि नहीं, तो आपका ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे आपका फेसबुक लाइव स्ट्रीम आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।